हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 121 से 150 तक के प्रश्न होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 90 से 120 तक के प्रश्न देखे थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन प्रेस कर लें। इसमें बहुत सी एग्ज़ाम की तैयारी होती है। तो जो पिछला प्रश्न था हमारा, भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता कौन सी है, तो उसका सही उत्तर है भारत शिक्षा। आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने भारत दुर्दशा कहा था, लेकिन सही जवाब है भारत शिक्षा। तो आज का पहला प्रश्न है, मतलब 121वां प्रश्न, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? इन कवियों में कौन सा कवि है जिसका अष्टछाप से संबंध नहीं है? तो सही उत्तर है हमारा केशवदास, ऑप्शन बा। तो केशवदास हैं जिनका अष्टछाप से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो तुलसीदास जी द्वारा कृत जो है विनय पत्रिका की भाषा बताना है कि उनकी जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है। तो इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में, ऑप्शन सा यहां पे सही है, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो यहां पे इसका सही उत्तर है कवि प्रिया, ऑप्शन दा। केशवदास की कवि प्रिया रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है। तो अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन के वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ, ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, ऑप्शन आ यहां पे भी सही है, तुलसीदास है बरवे रामायण के रचनाकार। अगला प्रश्न है, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है? सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहां पे जो सही उत्तर है वह है गीत गोविंद। तो यहां पे हमारा सही ऑप्शन है गीत गोविंद, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? सूरदास जी के संबंध में, तो यहां पे हमारा सही उत्तर है 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव जी का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो निर्गुणवाद से है, ऑप्शन सा, निर्गुणवाद से है नामदेव जी का संबंध। अगला प्रश्न है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहां पे जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास जी की, ऑप्शन आ तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? किस काव्यधारा के अंतर्गत विरोध किया गया है? तो सही उत्तर है संत काव्यधारा के अंतर, ऑप्शन दा यहां पे सही है, संत काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में? तो यहां पे सही उत्तर है सूफी काव्य धारा में, ऑप्शन बा सूफी काव्य धारा में। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो यहां पे हमारा सही उत्तर है कृष्ण गीतावली तुलसीदास द्वारा कृत रचना है, ऑप्शन सा यहां पे सही है, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुं पुर कौ तजि डारव, इस पंक्ति की रचना किसने की है?
जो ऊपर प्रस्तुत पंक्ति दी हुई है उसके रचनाकार कौन है? तो यहां पे सही उत्तर है रस खान, ऑप्शन सा रस खान है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो यहां पे दो ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहां पे उसकी जो भाषा है वह है सा मतलब अवधि। जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है उसकी भाषा है अवधि। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? मीराबाई जी की भक्ति है माधुर्य भाव की, मतलब ऑप्शन बा माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम बैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? जाके प्रिय न राम बैदेही जो प्रस्तुत पंक्ति है वह तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है, किस रचना से उद्धृत है? तो यहां पे सही उत्तर है विनय पत्रिका से। कौन सा है? ऑप्शन सा विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता था? नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? तो सही उत्तर है सत्यनारायण कवि रत्न को, सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो दादू दयाल, ऑप्शन दा दादू दयाल है। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गावहु मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? दुल्हिन गावहु मंगलाचार जो पद है उसके रचनाकार कौन है? तो यहां पे सही उत्तर है कबीर दास जी, ऑप्शन बा यहां पे सही है कबीर दास जी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, बारंबार पूछा जा चुका है। तो रामचरितमानस में 7 खंड हैं, ऑप्शन द यहां पे हमारा सही है, रामचरितमानस में 7 खंड हैं। अगला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? तो यहां पे सही उत्तर है, तो सही है मलिक मोहम्मद जायसी, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है, मतलब ऑप्शन सा यहां पे सही है। अगला प्रश्न है जो कि रीति काल से है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो श्रृंगार काल की जो संज्ञा देने वाले विद्वान है वह इनमें से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, मतलब ऑप्शन सा यहां पे सही है, किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है केशव दास जी को, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास जी को। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रिझे तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये पंक्तियां किस कवि की है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार बताना है, तो यहां पे है भिखारी दास, ऑप्शन बा प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वह है भिखारी दास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? नीचे कुछ रचनाएं दी गई हैं जिनमें से एक मतीराम जी की रचना है, वह रचना कौन सी है? तो यहां पे ललित ललाम, ललित ललाम मतलब ऑप्शन सा वह है मतीराम जी की रचना, ललित ललाम। अगला प्रश्न है, मोहितो मोरे कवित्त बनावत के कवि कौन है? मोहितो मोरे कवित्त बनावत के कवि कौन है? घनानंद। तो प्रस्तुत पंक्ति के जो कवि हैं वह हैं ऑप्शन द घनानंद। सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित
किस कवि की रचना है? सूदन की, सूदन, सुजान चरित सूदन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कविकुल कल्प तरु किसकी रचना है? कविकुल कल्प तरु किसकी रचना है? तो यहां पे सही उत्तर है चिंतामणि जी की। जो ऑप्शन दिख रहा है वही है यहां पे सही, चिंतामणि, ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि कौन है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, रीति मुक्त कवि है घनानंद। तो यहां पे ऑप्शन बा सही है, रीति मुक्त कवि घनानंद। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, उपर्युक्त दोहा किस कवि का है? प्रस्तुत दोहा किस कवि का है? तो सही उत्तर है रसलीन, ऑप्शन बा, प्रस्तुत दोहा है रसलीन जी का। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो कि 121 से 150 तक हमने देखे। अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं जो हम अक्सर आपसे पूछते हैं, जिसका जवाब आपने देना रहता है। और यहाँ आज का प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात नाटक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु, हजारी प्रसाद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों आपके सही जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।